मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम बता रहे हैं जो गूगल फॉर्म आजकल बनाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस में है, बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी पिछले 2 सालों से बढ़ गई है। उसको अगर आप अपनी वेबसाइट के पेज पर, आपकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, उस पेज पर अगर आप उसको लगाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से जो है उसको लगा सकते हैं, कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक साइन अप करके आपका एक गूगल फॉर्म है, आपने गूगल फॉर्म बनाया है, आप चाहते हैं सेम टू सेम ये फॉर्म जो है आपकी वेबसाइट पर दिखे। फॉर्म बनने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये जो सेंड बटन का ऑप्शन दिख रहा है, ये गूगल फॉर्म आप कैसे ओपन हुआ ये बताने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, इजीली हम जहाँ पर जो है सर्च करेंगे। मैं आपको पीछे से लाकर एक बार दिखा देता हूँ। जब आप गूगल फॉर्म यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये पैनल ओपन होता है, और इस तरीके के पैनल ओपन होने के बाद जो है आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम देखिए रिसेंट फॉर्म में यहाँ दे रखा है साइन अप, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के साथ ही दोस्तों, जब आपने फॉर्म पूरा बना लिया हो, आपका फॉर्म पूरा रेडी हो गया हो, अब आपको इस केस में करना क्या है, आपको ये जो सेंड बटन का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंड, आपको जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों जो ऑप्शंस आते हैं, आपको उन ऑप्शंस पे कुछ भी नहीं करना है, आपको ये एक तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर आपको जाना है, पहला मैसेज का है, इसके बाद ये लिंक क्रिएट करता है, और आपको जाना है इस तीसरे ऑप्शन पर, ये है एम्बेड HTML। जी हाँ दोस्तों, यहीं से आपको उस गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, आई फ्रेम जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इनलाइन फ्रेमिंग कहते हैं, HTML में जो वेब ब्राउजर का पेज होता है, वहाँ हमें कोई एम्बेडेड डॉक्यूमेंट की लिंक देनी हो, कोई डॉक्यूमेंट ओपन कराना हो, यहाँ पर आप हाइट और विड्थ भी जो है सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर हाइट विड्थ सेट कर देते हैं। ये हाइट विड्थ जो है सेट करने के बाद अब हम यहाँ से इसको जो है पूरे को कॉपी करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अभी मेरे पास कोई कंसोल ओपन नहीं है, मैं आपको जो है यहाँ पर नोटपैड में दिखा देता हूँ किस तरीके से आपका जो वेब ब्राउज़र होता है वहाँ पर आप कैसे काम कर सकते हैं। ये देखिए आपने लिखा है HTML, और मैं यहाँ पर सिंपल सा आपको दिखा देता हूँ कि वो जो है यहाँ देखिए, ये आपका मान लीजिए वेब ब्राउज़र का पेज है, और ब्राउज़र के पेज में ये मैंने इसको कॉपी कर दिया है। कॉपी करने के बाद मुझे करना क्या है दोस्तों, इसे सेव करना है, और मैंने इसे सेव कर देना है। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया यहाँ hello.html। ये HTML से ही सेव किया जाएगा क्योंकि वेब ब्राउज़र का पेज है। अब मैंने इसको सेव किया है, सेव, ये देखिए डेस्कटॉप पर आप देख रहे हैं हेलो नाम से। अब हम इसको ओपन करते हैं, और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने पेज बनाया है, ये देखिए आपके आगे जो है सिंपल सा साइन इन का ये फॉर्म, हमने उसकी हाइट और विड्थ 400-400 कर दी थी। ये साइन अप आपका फॉर्म है, देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ से फॉर्म में जितने भी आपके जो कह सकते हैं पैरामीटर्स थे, जितने भी आपने लिए थे, वो सभी आपको आपके वेबसाइट के पेज पर इस तरीके से दिखेंगे। और ईजीली इस फॉर्म को जो है यहाँ से भी भरने के बाद जो है सबमिट किया जा सकेगा। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे, आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आते रहेंगे, ये आपका गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स कलेक्ट करता रहेगा, और इस तरीके से आप जो है अपने वेब ब्राउज़र पर जहाँ भी जिस भी जगह पर आप गूगल फॉर्म का लिंक देकर गूगल फॉर्म को ही ओपन करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वहाँ से रजिस्ट्रेशन या जो भी काम करना हो वो आप डायरेक्ट आपके वेबसाइट से ही कर सकें, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सेंड बटन पर जाना है, ये एम्बेडेड लिंक है, ये आई फ्रेम, ये सोर्स है, सोर्स के बाद HTTPS, ये आपके जो कह सकते हैं हमारा ये URL है, यहाँ से पूरा फॉर्म कॉपी होगा। आप हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं, कितना एरिया आप, कितने बड़े एरिया में आप वहाँ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पिक्सल्स का हाइट विड्थ का जो है सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे जब भी हम डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो ये बताने के लिए कि आप अपने वेब ब्राउज़र के पेज पर जो है किस तरीके से गूगल फॉर्म के को भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर शो कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।